कैसे मनोज जी? ठीक हो सर। बहुत बढ़िया। उमेश सर कैसे हैं आप? सर गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। जी गुड इवनिंग। राकेश सर कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। गौरव जी कैसे हैं? सर। स्वाति मैम कैसे हैं आप? मैम आपकी साउंड आज भी नहीं आ रही है, तो शायद कुछ इशू है आपके माइक में। चलिए, कोई क्वेश्चन पिछले कुछ सेशन से? राकेश सर कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलिए, मनोज सर कोई क्वेश्चन? उमेश जी, गौरव जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर कुछ नहीं। सर मेरा लोगों के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है सर। चलिए बिल्कुल बात करेंगे सर। आते हैं सर, पूछूं सर अभी या? आते हैं सर, आते हैं, एक बार स्टार्ट कर लें, उसके बाद यस जरूर सर। उस क्वेश्चन पे आते हैं आपके भी। सर आपका लोगो मिसिंग है सर आज। आज कुछ हाँ सर, आज कुछ इस पैटर्न पे कुछ लोगो सूट नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए लोगो मिसिंग है। अच्छा सर वो जो फ्लैग है वो रियल है या टेबल फ्लैग जो है सर फ्लैग वो? फ्लैग तो रियल लग रहा है। बहुत अच्छा पैटर्न। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो ये ऑनलाइन पैटर्न है ना, ये ऑनलाइन पैटर्न इतना मजेदार है कि अभी हम लास्ट वाली क्लास, कल उनकी लास्ट क्लास है, एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट कैसे चला, क्या चला पूरा सिनेरियो। जब वो लोग ने ज्वाइन किया था तो उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन सेशन कैसा होगा, क्या होगा। आप लोग भी देख रहे होंगे, बड़ा मजेदार चीज है कि आप जो दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, रात में कोई एक बंदा बैठा हुआ है जो उसका आंसर देगा। यही चीज अगर आप YouTube में देख रहे होते हो तो वहां पे आपको रिप्लाईज नहीं मिल रहे होते, आप फिर फ्रस्ट्रेट होकर और ज्यादा YouTube सर्च कर रहे होते हैं, है ना मनोज जी? इसीलिए यस बहुत सर। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की, जितना यस ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा मजा आएगा, और जितने क्वेश्चंस दिमाग में आ सकते हैं उतने क्वेश्चंस लेके आइए उमेश जी, तो और ज्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। इसको कोई मजाक में सर। नहीं ले, क्योंकि सर मेरा तो काम ही पढ़ाना है सर। मैं तो पढ़ाऊंगा आपका कोर्स, 60 दिन में खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन सर अगर आप अब उसको सीरियस नहीं लेंगे ना अपने बिजनेस को, तो सर फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। आते हैं सर उमेश जी आपके क्वेश्चन पे, बताइए सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जी यहाँ पर जो मेरे साइड में जो लोगो लगा है जी ये सर एक्चुअल में काफी छोटा है, और जी जो मैं लोगो इसमें इमेज डाल रहा हूँ ना वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी जब मैं उस इमेज को अपलोड कर रहा हूँ तो वो इससे ज्यादा ही छोटा दिखा रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊँ सर। चलिए, छोटे बड़े का इशू अभी रिजॉल्व कर देते हैं सर। कीजिए स्क्रीन शेयर। सर स्क्रीन दिख रहा है सर? जी बिल्कुल दिख रहा है सर। ओके सर, ये है लोगो। इसका साइज 122x21 पिक्सल का है, जी लेकिन जो मेरा वाला लोगो है वो जी उसका साइज ये है सर 1200x1200 का। चलिए ठीक है, 1200x1200। हाँ सर। सर 1200 पिक्सल का लोगो क्यों लगा रहे हैं? वो तो पूरी वेबसाइट का साइज हो गया। सर आप एक बार देखो तो सर, ये लोगों को मैं लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है सर? दिखाइए सर। सर नीचे भी इसी लोगो को सेलेक्ट कर लीजिए एक बार। सर इसी लोगों को नीचे भी सेलेक्ट कर लीजिए एक बार। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। मैं सर सेव पे क्लिक कर दिया तो वो सेव होने के बाद ही फिर दोबारा मैं अपलोड करता हूँ। जी। थोड़ा माफी चाहूंगा सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो रहता है। सर माफ कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। सर
सर अब मेरे ख्याल से माफी हो नहीं पाएगी सर, कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है। हो गया सर, हो गया। सर ये इतने घूमते थे, इतने क्वेश्चन पूछूं सर मैं? जी जी बताइए सर। सर जैसे सर मैं सोच रहा था सर कि सर सुन पा रहे हैं आप हमें? सुन पा रहे हैं आप लोग हमें? यस सर, सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है। सर राकेश जी अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज। जी सर, सर मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया में कोई फॉरनर बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो सर मैं उनको करूँ टारगेट, तो सर उनकी कंट्री में हमारे एडवर्ड कैसे सर रन कर सकते हैं ताकि वहां पे वो करें? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप अपनी जो आपकी, एक तो अगर सर तरीका ये है कि अगर आपका कोई पार्टनर है वहां पे जहां पे आप अपने बिजनेस लिस्टिंग दिखा सकते हैं, तो एक तो तरीका ये है। अगर कोई पार्टनर नहीं है तो आप एडवर्ड्स की मदद ले सकते हैं, और एडवर्ड्स के अंदर हमारे पास टारगेटिंग मेथड होता है कि कौन सी जगह पे दिखाना है आपका एड, तो उस जगह को आप टारगेट कर सकते हैं और सिर्फ वहीं पे ही आपका एड दिखेगा और पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। तो आपको जहां से मन है, जैसे लेट सपोज आप चाहते हैं कि यूएस से आपका एड देखे कोई, तो आप उसको टारगेट करके वहां पे एड चला सकते हैं अपना। ओके, ऑडियंस मतलब जो वहां पे वो आता है डालने का सर, ऑडियंस ज्योग्राफिक लोकेशन, तो वहां पे लोकेशन आता है एक। हाँ सर, लोकेशन वहाँ का। हाँ हाँ, ऑडियंस अलग है, लोकेशन अलग है सर। जी जी समझ गया। लोकेशन अगर मैं वहाँ सेलेक्ट कर दूंगा तो फिर सिर्फ वहीं के लोग देख पाएंगे सर। ओके ठीक है, ठीक है सर। चलिए सर आते हैं सर के क्वेश्चन पे। लोगो बहुत छोटा हो गया, पहले तो लोगो बहुत बड़ा था, छोटा हो गया सर। स्क्रीन शेयर दीजिए मुझे, मैं रीजन आपको बताता हूँ क्यों छोटा हो गया। यहाँ पे देखिएगा, मैं जाता हूँ इसके कोड के ऊपर और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक मिनिमम हाइट करके एक कोड लगा रखा होगा इन्होंने, तभी आपका लोगो छोटा आ रहा है। मैं सर अभी उसी साइज के लोगो पे काम कर रहा हूँ जो इसका एक्चुअल था जी, तो वही सोच रहा हूँ कि उसी साइज का एक लोगो बना के इस पे लगा दूं। सर 100% जरूरी है, 1200x1200 तो सर पेज का साइज होता है, लोगो का साइज कहाँ से डाल रहे हैं आप सर? लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है सर। दिखाता हूँ सर अभी बड़ा कैसे हो जाएगा, अभी हो जाएगा बड़ा सर। ये देख रहे हैं डेटा हाइट जो लगा हुआ है 60। यस सर, मतलब 60 पिक्सल का ही लोगो आप बना सकते हैं सर। यहाँ ये लगा हुआ है कि 60x90 का इसने फाइल लगा रखी है। अब इसको बड़ा कैसे करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके 400 कर देता हूँ ना, सर आपका इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। ये देख रहे हैं सर इसने डेटा हाइट लगा रखा है, मैं इसको स्पीड कम होने के कारण इसको एडिट नहीं कर पा रहा। यहाँ देखिए ये हाइट 60 पिक्सल है। यस सर, सर इसको देखिए बढ़ाता हूं तो क्या होगा, बढ़ रहा है लोगो सर? सर लोगो बढ़ रहा है और उसका वो भी हेडर भी बड़ा हो रहा है सर। सर हेडर बड़ा होगा ना, क्योंकि सर साइज बड़ा होगा तो हेडर भी तो स्पेस लेगा ना।
और मैं इसको 100% कर दूं, जितना बड़ा लोगो आपने लगा रखा है, मैं अगर 100% कर दूं, देखिए क्या होता है फिर। ये लोगो लगाया है सर आपने? क्लियर है क्या हुआ है? यस सर। चलिए अब लोगो का साइज सर वही रखिए और फिर आप काम कर सकते हैं सर इस पे। ठीक सर। चलिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। इश्यू रिजॉल्व सर, आंसर मिल गया? मिल गया सर। बहुत बढ़िया। तो फिर जो लोगो लगाते वहीं पे नीचे था ना सर, हाइट। दोबारा पूछे राकेश जी। सर जो लोगो वहां पे लगाते वहां पे नीचे जाके सर हाइट का ऑप्शन है ना, वहीं पे शायद करेंगे सर जाके। जी बिल्कुल सर, वहां पे जाके नीचे जो हाइट का ऑप्शन है थीम के अंदर, वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उमेश जी बहुत अच्छा तरीका इन्होंने बताया है, आप अपने पेज के ऊपर जाइए और जहां पे लोगो आप लगा रहे हैं ना अपने थीम के ऊपर, वहां थीम के ऑप्शन के अंदर लोगो जाके लगाएंगे, वहां 60 लिखा हुआ होगा, उसको सर आप जो भी चेंज करना है चेंज कर दीजिएगा। मैं चेंज किया सर, उसको भी ट्राई किया, बस थोड़ा सा मतलब मेरा लोगो थोड़ा बड़ा ही है, मैं सोचा था कि आप कुछ मतलब कुछ नया बताएंगे, तो बस वही। सर इसमें नया कुछ है नहीं है, वही चीज होगी। नहीं कुछ तो नया मिला सर आपसे बात करने को। चलिए ठीक है सर। गौरव जी, सर कोई क्वेश्चन? कुछ काम किया वेबसाइट के ऊपर? काम नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया सर, काम करें, क्योंकि सर अगर काम नहीं करेंगे तो सर मेरी तो डे टू डे प्रैक्टिस है, मेरे से तो आप पूछेंगे तो मैं तो फटाफट कर दूंगा, मैं तो 24 घंटे यही करता रहता हूँ जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि सर आप लोग क्या पूछने वाले, तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप लोग प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो होगा क्या, फिर आप उस चीज को मेरी तरह कहीं से कर नहीं पाएंगे, और फिर लास्ट में सर फिर स्पीड जब अभी, क्योंकि मंडे से हम स्टार्ट करेंगे सर अपना SEO, तो जब SEO फंडामेंटल्स आप सीखेंगे तो उस टाइम सारी चीजें वेबसाइट वेबसाइट वाली चीजें हैं, इसके क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना। तो सैटरडे संडे आपके पास है सर, मजे से एक काम करेंगे हम, अभी आप लोगों ने अगर काम नहीं किया, और मुझे लगता है कि एक और कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो चाहता है कि हम मंडे को भी इसकी एक क्लास ले लें, सो दैट सैटरडे संडे के बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन हो, तो हम मंडे को एक वर्डप्रेस की क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। मनोज सर, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर, सर एक बात मैं हमेशा फोकस में रखता हूँ सर, मेरे जितने भी स्टूडेंट है, चाहे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं आप लोगों की वेबसाइट जरूर देख लेता हूँ। उस वेबसाइट को देखने से मुझे ये पता लगता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। तो मैंने मनोज जी की वेबसाइट देखी। मनोज जी, आपने जो लोगो बनाया सर, वो जो लोगो है, उस लोगो के ऊपर आपकी जो थीम है उसका कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा। जी सर, डल सा हो गया है जी, है ना। तो उस कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा यूज करके देखिए, जैसे मैं अभी दिखाता हूं, चलते हैं उस चीज पे। थोड़ा सा डल सा कलर कॉम्बिनेशन हो गया है, अगर सर इसको प्लेन व्हाइट रखेंगे ना मनोज जी, जी तो ये बहुत मजेदार लगेगा, कोई खराब नहीं लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसमें ये मैं टी हटाना चाह रहा था और इसको बड़ा करना चाहता, मतलब ये टी हटाना चाह रहे थे आप? ये हटा नहीं सर, मैं तो हाँ, मतलब सर अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए, और ये जो बॉर्डर कलर आपने लिए है ना सर, ये बॉर्डर कलर थोड़े से वाइब्रेंट लीजिए, ब्राइट लीजिए, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड थीम है वो थीम थोड़ी सी ब्लैकिश है, तो उसपे अगर आप डार्क कलर ले लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा व्हाइटिश लेके आइए, थोड़ा ब्राइट कलर में जाइए, तो आपको अच्छा लगेगा सर। इसपे इसमें एडोबी कलर मदद करेगा ना सर? सर बिल्कुल मदद करेगा। इसका मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया तो आप बिल्कुल सर, वो बहुत अच्छी चीज है जी। वो आपको कलर कॉम्बिनेशन बता देता है। चलिए तीसरा मैंने बनाया, ये भी सर अभी 25-26 सब बनाएंगे सर, तीसरा नहीं, तो अभी सब बनते रहेंगे और सब आते रहेंगे सर, इसी का यही मजा है सर कि ऐसी प्रैक्टिस होगी सर। एक बार में सक्सेस हो गया तो फिर उस सक्सेस का मजा क्या है सर, फेलियर के बाद सक्सेस हो तब चखने का मजा है सर। इसमें सर एक पेज भी मैंने डाला, फोटो डाला उसमें, वो भी मुझे सक्सेसफुल मिला। चलिए कौन से पेज पे सर? और इसमें सर नीचे आएंगे तो वो दिख जाएगा। हाँ जी जी, ऊपर ग्रीन पे सर, ऊपर वाला ऊपर सर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर सर, ये
ये वाला जी हाँ सर, इसको मैं पूरे पेज में चाह रहा था, ये आया नहीं। मतलब ये जो चीज चाह रहे हैं आप, ये जो इंडिविजुअल है दो ग्रीन जी, अच्छा इसको आप चाह रहे हैं कि ये जो व्हाइट कलर का बॉर्डर है इसके अंदर दिख जाए। हाँ मैं चाह रहा था ये जो पीछे इमेजेस आ रही हैं, ये इसमें ट्री वगैरह लगा हुआ है तो ये इधर चल जाए, क्या ये पॉसिबल है? मतलब ये जो व्हाइट कलर का बेस है आप इसको हटाना चाह रहे हैं जी? हाँ सर क्यों नहीं पॉसिबल है, डैशबोर्ड में चलते हैं। आपके पेज के ऊपर चलते हैं सर, कहां पर है सर वो मनोज जी, कहां पे है वो याद है? नहीं सर मैं भूल गया सर, वो पिक्चर के ऊपर है, तो तीन पिक्चर सर जो आ रहे हैं होम पेज पे, ये वाले अच्छा यहाँ पे लगा हुआ है, वो इधर लगा होगा फिर, वो इन तीन पिक्चर्स में से ये कौन सी पिक्चर है सर? नहीं इसमें से कोई भी पिक्चर नहीं है सर, ये है इनके ऊपर है ना जी सर। सर तो यहां तो कहीं लगा ही नहीं हुआ, ये सर होम में नहीं है, ये किसी और में। सर इसके ऊपर जो सेक्शन है, इसके ऊपर आया सर, वो सेक्शन इसके ऊपर है सर, उसको शायद होगा इसके ऊपर सर, जो इमेज लिखा हुआ है सर, वो जो अकेला इमेज लिखा है ना सेंटर पे, शायद वो हो उसके ऊपर। यही है सर, इसके ऊपर वाला, यही है ये वाला सर। हाँ ये जी सर, इसमें ये क्या है कि आपकी जो साइज है ना इमेज की, ये इमेज की साइज इतनी सी है, छोटी सी है। अच्छा ये इसलिए नहीं आ रहा, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज मैं ले लेता हूं कुछ ऐसी सी इमेज, कुछ ऐसी सी इमेज ले लेता हूं सर मैं, इसको हटा दूं सर? यस सर। इमेज का नाम और ऑल टैग जरूर अपडेट कीजिएगा, अभी जब मैं एसईओ की क्लासेस लूंगा तब आपको इसको और क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं बार बार इस पे क्यों फोकस दूं, क्यों बोलता हूं इस चीज को करने के लिए। देख रहे हैं ये इमेज का और लेंथ में अगर आप लेके चलेंगे जी, तो उसके अकॉर्डिंग ये साइज हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरे के पूरे लेंथ पे एक लेंथ लेके चलना चाहता हूं तो लेंथ अपडेट हो जाएगा। और ये ऐसे क्यों हुई है देखिएगा, मैंने क्या किया है यहां पे, इस इमेज का जो साइज है ना, ये इमेज का साइज पूरे वृत्त पे, मतलब पूरे के पूरे एरिया पे डिवाइडेड है, तो इमेज हमेशा सेंटर पे जूम करती है, तो इमेज का अगर आप वृत्त कम कर रहे हैं तो हाइट भी ऑटोमेटिक कम होगी रिस्पॉन्सिव डिजाइन में। इमेज हमेशा सेंटर पे जूम करती है, याद रखिएगा। तो आपको अगर यहां पे पूरे पेज की एक वृत्त वाली इमेज चाहिए, जैसे लेट सपोज आपको चाहिए कि पूरे लेंथ पे एक इमेज जाएगी, तो वो इमेज कुछ इस तरीके से आप कैनवा भी बना सकते हैं। अगर आप कैनवा पे चलते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक इमेज का साइज जो पूरे वृत्त को कवर कर जाए वो समवेयर अराउंड 1200 या 900 लेके चलते हैं, लेट सपोज 1200,
तो 1200 का मैं एक डिजाइन लेके चलता हूँ, विड्थ डाल देता हूँ 1200 और हाइट डाल देता हूँ लेट सपोज मैं 500। यहां से एक इमेज बना लेते हैं, यहां पे लेट सपोज मैं इसको ले लेता हूं, आपका पेज का वृत्त कंटेंट का ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस डिवाइडर के अंदर लगा देते हैं सर, इस व्रैपर के अंदर इसको लगा देते हैं। चलिए बैकग्राउंड फिल होता हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। इस इमेज को जरा यहां से हटा देते हैं, मेरी इमेज फिर भी नहीं पहुंच पाई है अभी क्योंकि डेटा उसमें कुछ है नहीं। ये बैकग्राउंड फिल हो गया, देख रहे हैं आप? यस सर। मैंने क्या किया, मैंने इस व्रैपर के ऊपर लगा दिया इमेज। तो कुछ इस तरीके से आप इधर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर एड आइटम पे कोई बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा यहाँ पे लगा लीजिए। चलिए यहीं पे सर ट्राई करते रहिएगा, इस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, यहां से इसको हटा दीजिए। क्योंकि ये जो इमेज का साइज आपके पास आ रहा है ना, इस इमेज का साइज इस थीम के अकॉर्डिंग इस इमेज का साइज उतना ही रखा गया है जितना आ रहा है इमेज पे, 100% कर देते। जी बताएं सर, पूछें। सर मैं भी यही बोल रहा था कि इसके नीचे जो ये आप जो भी कर रहे हो इसमें अगर चेंजेस करेंगे तो, सॉरी सर मैं भी वही बोल रहा था कि सर ये जो हाइट नीचे ऑप्शन में दिया है, हाइट मतलब ये जो ऑप्शन के ऊपर उस पे अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या कर रहे हैं सर, ट्राई हम करने का? सॉरी सर, सर हम चाह रहे हैं एच टू एच मैच कर जाए, हम चाह रहे हैं ये जो है ना एच टू एच मैच कर जाए, ये यहाँ से यहाँ तक मैच कर जाए पूरा। तो सर जो सेक्शन वाला है सर उसमें जाके बिल्कुल सेक्शन वाले में यहाँ से ये इमेज नहीं होगी,
लेकिन सेक्शन वाले के लिए आपको डेटा डालना पड़ेगा ना। डेटा के अंदर सेक्शन अगर है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लेट सपोज हम येलो ले लेते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो ये पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड ये हो गया ना, कलर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे कोई हम इमेज लगाएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में पूरा का पूरा वो आ जाएगा। अब अच्छा वहीं पे इमेज का भी सब एक ऑप्शन है, इमेज का भी आप लगा सकते हैं। जस्ट की मैं इनका दिखा रहा था कि कैसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अब आपको लगाना है तो सर ये आपकी उस येलो कलर के ऊपर आ जाएगा। वैसे इमेज अच्छी लग रही है एडवेंचर कैंप की। मैं क्षमा चाहूंगा, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर मनोज जी के क्वेश्चन के बाद प्लीज सर वो बता दीजिए कि वेबसाइट में अंडर कंस्ट्रक्शन वाला वो कैसे लगाएं। बिल्कुल सर, अभी बता देता हूँ। चलिए मनोज जी, शायद ये सेव करने में कुछ इश्यू आ रहा है, मेरे साइड कुछ सर्वर्स चल रहे हैं, तो आप समझ गए क्या करना है इसमें। ठीक है, कोई इश्यू हो तो आप जरूर पूछ लीजिए। यहीं पे सर मैं दिखा देता हूँ, आप जब बी थीम के ऑप्शन में जाएंगे ना, थीम ऑप्शन में जी। तो यहाँ पर थीम ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन होगा पेजेस नाम से, ये रहा। इस पेजेस के अंदर आपको तीन ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो होगा जनरल, 404 और अंडर कंस्ट्रक्शन। तीन ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। जनरल का मतलब आपका जो भी जनरल पेज है उसके बारे में यहाँ पे है कि आपके पेज के ऊपर आपको कमेंट्स दिखाना है नहीं दिखाना। जैसे आपका जो पेज है उसके नीचे कोई आगे कमेंट कर सकता है नहीं कर सकता, इसको ऑफ करके रख दीजिए, क्योंकि नॉर्मली एक कंपनी के पेज पे क्यों आप कमेंट करवाना चाहेंगे। एरर, अगर 404 एरर मतलब अगर नॉट फाउंड है तो आपको कौन सा पेज, यहाँ पे आप एक पेज बना लीजिए और कनेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर मैं चाहता हूँ 404, अभी मैं इनकी वेबसाइट पे सर्च करके दिखाता हूँ, देखिएगा ये रहे इनकी वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे अगर मैं एक पेज सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेज सर्च कर लिया, तो ये पेज नॉट फाउंड, ये एरर आ रहा है, दिख रहा है उमेश जी? यस सर, ये एरर आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट इस थीम के साथ आपके साथ आ जाएगा, सेटअप ऐसा किया जाता है इस थीम को। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी जब मेरे पेज पे कुछ भी ढूंढे तो उसको कुछ नजर नहीं आए ना, जब मेरा वो सर्वर कुछ ढूंढ नहीं पाए तो मेरा अबाउट अस पेज खुल जाए, ठीक है। तो देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और मेरा अबाउट अस पेज खुल जाएगा। अब देख लिया, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 404 पेज अपना डिजाइन कर सकते हैं और इस पेज को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो एक पेज बनाना पड़ेगा सर उसके लिए? हाँ सर, पेज बनाना पड़ेगा सर आपको। और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सर, थर्ड वाला ऑप्शन, वो क्या बोलते हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन पे भी आ रहा हूँ सर, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अंडर कंस्ट्रक्शन सर आप यहाँ पे पूरा का पूरा डाल सकते हैं कि क्या है, शेड्यूल है, कस्टम पेज भी बना सकते हैं अपना। क्लियर है? Yes, sir. आप अंडर कंस्ट्रक्शन इसको ऑन कर दीजिए, तो यहां पे चलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आप इसको ऑन कर देंगे, लॉग्ड इन यूजर्स को ये नहीं दिखेगा। अब आप किसी भी पेज पे जाएंगे, जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन दिखेगा वो आपका सर वही जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे वो आपको दिखेगा। अगर आप चाहते हैं इस पेज को किसी स्पेसिफिक पेज से कनेक्ट कर दें तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। yes, sir, वैसे 404 पेज हमेशा ट्राई कीजिएगा इसको कनेक्ट करके रखने के लिए ही। बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है 404। क्लियर है? yes, sir.
चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? सर ब्लॉक सर कैसे होगा ये? कौन सा सर? वेबसाइट के अंदर ही इसमें ब्लॉग का ऑप्शन बना के ब्लॉगिंग कर सकते हैं ना? मैं दो क्वेश्चन एक बार में नहीं ले पाऊंगा, मैं क्षमा चाहूंगा। राकेश जी पूछे सर। जी सर मैं कहता कि कनेक्ट कैसे करते हैं सर, जैसे वहां पे तो हमें डिजाइन कर दिया, फिर उसको पर्टिकुलर पेज से कैसे करेंगे कनेक्ट? सर जैसे आप 404 का पूछ रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन का पूछ रहे हैं? 404 से जैसे कि हमने वहां पे कुछ भी अगर आइकन करके डिजाइन कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ये मेरी कोई पेज मेरी वेबसाइट पे फाउंड नहीं करेगा तो वो आ जाएगा पेज, ऐसे होगा सर? जी बिल्कुल होगा। और अंडर कंस्ट्रक्शन में सर तो वो तो किसी पर्टिकुलर पेज पे नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट पेज अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आपका जो पेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा ही ना? या फिर आपकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सर आप ये कर सकते हैं, आप सेटिंग में जाके सीधा यहाँ पे उस ऑप्शन को यूज ना करके सीधा सेटिंग में जाके रीडिंग में जाके जो भी पेज आपने अंडर कंस्ट्रक्शन पेज बनाया है वो पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और आपकी वेबसाइट का जब आपकी वेबसाइट खुलेगी तो आपकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन आएगी। सर कोई पर्टिकुलर पेज हमें करना हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन? सर पर्टिकुलर पेज अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप चाह रहे हैं तो पर्टिकुलर पेज अंडर कंस्ट्रक्शन में सजेस्ट ही नहीं करूंगा करने का, क्योंकि गूगल कैश करेगा उसको, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो वैसे भी कैश हो रही है। अगर आप इस मेथड से जाएंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने थीम ऑप्शन पे पेजेस में अंडर कंस्ट्रक्शन पे चलिए सर, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन पेज विल बी विजिबल फॉर नॉट वेबल यूजर्स, और इसको चलते हैं लॉन्च डेट डाल देते हैं शॉर्ट कोड। इस पूरे पेज को आप कस्टमाइज करना पड़ेगा सर, एक बार कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं आर ऑफर कनेक्ट सॉरी मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं यहां पे जाता हूं, जैसे कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर दिया मैंने और इसको मैं सेव कर देता हूं। अब मैं जाता हूं अपने किसी पेज के ऊपर और मैं यहां पे नया पेज एक्ट बनाता हूं, अब ये जो पेज है ये पेज अगर आप ड्राफ्ट मोड में डाल देंगे ना सर, अगर आप ये ड्राफ्टिंग मोड में डाल देंगे तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन पेज दिखेगा। ये भी ड्राफ्ट मोड में आ गया, चलते हैं इस पे टेस्ट। चलिए देख रहे हैं सर मैंने क्या किया, मैंने एक पेज को बनाया। राकेश सर सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? सारे लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सर मैं क्षमा चाहूंगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर अभी सुन पा रहे हैं। जी सर
मैं समझ आऊंगा सर। सर यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये क्लियर हुआ राकेश जी या फिर स्क्रीन ऑफ हो गया था? क्या सर, कुछ नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक टेस्ट नाम का पेज बनाया। ओके और लेट सपोज मैं इस पेज को भी बना रहा हूँ। ओके मेरे को पेज बनाने में कोई 24 घंटे में तो पेज बन नहीं जाएगा, 3-4 दिन लगेंगे एक अच्छे से पेज बनाने में, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे यूजर्स को ये जरूर पता रहे कि अगर वो कनेक्टेड है तो अगर वो कोई उस लिंक पे जाए तो उसको अंडर कंस्ट्रक्शन का पेज दिख जाए, ठीक है। ओके अभी मैंने क्या किया, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले पेज में मैंने कॉन्टेक्ट वाला पेज लिंक क्लिक कर दिया, देखा था आपने ये? मैं हाँ सर वो देखा, लेकिन वो दोबारा दिखाऊं? नहीं सर वो देख लिया। ठीक है अंडर कंस्ट्रक्शन में कॉन्टेक्ट पेज कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ओके हाँ जी। अभी क्या हुआ सर, ये जो पेज मैंने बनाया इस पेज को मैंने ड्राफ्ट में सेव कर दिया, मैंने इस पेज को पब्लिश नहीं किया अभी, मैंने सेव टू ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है जी सर। ये ऑप्शन ऊपर दिख रहा है सेव टू ड्राफ्ट कर। अगर आप एक व्यूअर हैं जो इस साइट के ओनर हैं तो आप अगर लॉग इन होंगे तो ये पेज आपको दिखेगा, लेकिन यही लिंक अगर आप इनकॉग्निटो मोड में खोलेंगे जहां पे आप लॉग इन नहीं है तो आपको कॉन्टैक्ट पेज दिखेगा, जो बाय डिफॉल्ट आप अंडर कंस्ट्रक्शन पेज बना सकते थे, दैट आई विल बी कमिंग सून समथिंग लाइक दैट। ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका उस टेस्ट पेज पे, सॉरी कॉन्टैक्ट अस पेज पे। अभी आते हैं कुछ बात करते हैं हम एक स्लाइडर के ऊपर, रेवोल्यूशन स्लाइडर। ये स्लाइडर आप लोग की बहुत मदद करेगा जब आप लोग अगर बात करते हैं यहां पर आके, मैं बात करता हूं इन सब चीजों की, ये जो चीज देख रहे हैं ना आप यहां पे देखिए, या फिर उमेश जी की वेबसाइट पे जाइए, स्त्री माया पे देखिए, स्त्री माया पे देखिए, या फिर सर गौरव जी आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? Expert auto. चलिए एक्सपर्ट ऑटो पे चलते हैं, इस पे जाइए, यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं, ये जो लेडी लेटी हुई है, या फिर इनके पास जो दूसरी जो इमेज आ जा रही है, इसको स्लाइड शो कहते हैं। ये जो स्लाइड शो है, ये स्लाइड शो कैसे काम करता है ये देखिए सामने, और यहाँ पे देखिए इनके पास गाड़ी आ रही है, गाड़ी के बाद दूसरी एक स्लाइड शो चली जाएगी, ये जो स्लाइड शो है देखिए दूसरी आ गई। ये सारे स्लाइड शो इस थीम के अंदर कुछ प्लगइन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे स्लाइडर रेवोल्यूशन नाम का प्लगइन होता है, सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको वही प्लगइन दिख जाएगा, सामने देख रहे हैं मनोज जी, इसको अगर एडिट करना है इस पेंसिल आइकन पे क्लिक कीजिए। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है ये कैसे करना है। अगर आपको इस इमेज को चेंज करना है तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इस इमेज का साइज जरूर देख लीजिएगा पहले, वरना आप छोटा बड़ा इमेज साइज कर लेंगे। यहाँ पे अगर वो चेंज करना है तो देखिए सर इसी को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको। मैं आपके इस लिंक को चेंज करता हूँ सर, सबसे पहले द अल्टीमेट वाले को यहाँ पे लिख देते हैं सर हम, सर क्या है, टू लीफ एडवेंचर जी सर। और अब नीचे वाले पे आ जाते हैं सर, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, सेव का बटन दबा दिया। अब अगर आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे टू लीफ एडवेंचर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है सर, क्लियर है उमेश जी? यस सर। गौरव सर क्लियर है, कैसे एडिट करना है अपनी इमेजेस को आपको? नहीं सर एक बार फिर से बताइए। आपकी वेबसाइट पे करके दिखाते हैं सर, यहाँ देखिए डैशबोर्ड पे जाइए, ये जो इमेज रोटेशन हो रही है ना, इस इमेज को लेस सपोज आपको चेंज करना है तो सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ रेवोल्यूशन स्लाइडर का एक ऑप्शन होगा, रेवोल्यूशन स्लाइडर पे जाइए,
और ये देखिए वही वही स्लाइडर ना जो वहां पे दिख रहा है आपको होम पेज पे, हाँ, हाँ. इसके पेंसिल आइकन पे क्लिक कीजिए और आपके सामने स्लाइडर खुल जाएगा. देखिए आपकी पहली स्लाइड ये है, दूसरी स्लाइड ये है, तीसरी स्लाइड ये लिखा हुआ है. right. अब लेट्स सपोज मुझे पहली स्लाइड की इमेज को चेंज करना है. अगर इस इमेज को मुझे चेंज करना है तो मैं यहां पे जाके मीडिया में सिंपल दूसरी कोई इमेज सेलेक्ट करूंगा और वो स्लाइड चेंज हो जाएगी और यहां से सेव का बटन दबा दूंगा. क्लियर है? ठीक है, इजी है सर? यस सर, इजी है सर, इजी. यहाँ पे सर अगर आप, मैं चाहता हूँ जैसे स्त्री माया पे इनको हटा दूं और मैं कुछ दूसरा लगा दूं तो वो लगा सकते हैं. वैसे मुझे लगता है उमेश जी इनको हटाएंगे नहीं. हटा दूंगा सर, इनको हटा दूंगा. चलिए ठीक है सर, अपने लगाओ उमेश जी. जी चलिए यहाँ पे जैसे चाहते हैं आप, देखिए यहाँ पे एक इमेज है ना यहाँ पे मनोज जी. यस सर. अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे दो इमेजेस आए और स्लाइड में चले आपस में, मैं क्या करूंगा सर? यहाँ पे सिंपल जाइए और यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड कर लीजिए. यहाँ पे इसको ही कॉपी करना है तो डुप्लीकेट कर लेते हैं सर इसी को. ये डुप्लीकेट हो गई, स्लाइड टू आ गई. अब यहाँ पे मैं एक उत्तराखंड की बढ़िया सी इमेज ले लेता हूँ सर. मुझे यहीं कहीं मिल जाए तो अच्छा रहेगा. चलिए इस इमेज को ले लेते हैं. ये इमेज सर काफी छोटी इमेज है. चलिए ये इमेज हमारी काम कर जाएगी, इंसर्ट कर देते हैं. ये देखिए अब पहली इमेज हमारी ये हो गई, दूसरी इमेज ये हो गई. इसको सेव कर देते हैं. अब चलते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर. यहाँ पे चेक कर लीजिए सर, अगर यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा तो यहाँ से आप रेजोल्यूशन पूरा चेक कर सकते हैं क्यों नहीं हो रहा. यहाँ पे अपनी स्लाइड को एक बार देख लीजिएगा कि स्लाइड का जो स्लाइडर है वो पॉज स्लाइडर है, स्टॉप स्लाइडर इन प्रोग्रेस. स्लाइडर पे कुछ ऑडियो भी अटैच कर सकते हैं क्या सर? सर ऑडियो अटैच नहीं कर पाएंगे आप. यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप चेक कर लेंगे. मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे सर, ये स्लाइडर आपका चल क्यों नहीं रहा. सर इसमें नीचे लूप ऑप्शन आ रहे हैं ना सर, उसमें सर चेक कीजिए शायद हो. ये आप लोग डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं. सर, हमारे एनिमेशन लूप विजिबिलिटी सर आ रहा है इसमें हो सर. लूप का है ऑप्शन नीचे सर, है ना सर? एनिमेशन सर वहीं पर था नीचे. जी सर, इस पर्टिकुलर इमेज का लूप है ये तो चल ही रहा है यहां से, तो मैंने देख लिया सर, ये तो लूप चल ही रहा है. चलिए ये आप डॉक्यूमेंट से देख लीजिएगा और नहीं समझ आया तो मेरे को बता दीजिएगा. मैं अभी इस चीज में नहीं देख पाऊंगा, रीजन बीइंग इस एनिमेशन पे पर्टिकुलर हर एनिमेशन का जो कर रहे हैं इस एनिमेशन का मैंने यूज नहीं किया है. बट यहाँ पे अगर जैसे मैं दूसरी कोई स्लाइड ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दूसरी एक स्लाइडर ले लेता हूँ. न्यू स्लाइडर पे जाते हैं और मैं यहाँ से कोई नई स्लाइडर बना लेता हूँ. मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ एक टेम्पलेट से स्लाइडर बना लूँ इनकी. ये बहुत सारे स्लाइडर्स हैं जो पेड भी देते हैं और फ्री भी देंगे. फ्री टेम्पलेट पे चले जाते हैं.
लेट सपोज मैं चाहता हूँ सर इनके पेज में ना एक प्लीज वेट अ मोमेंट करके कप का एक सिंबल बना के वो दिखा रहा था, वो क्या इनका थीम में आ रहा है या फिर वो कैसे आ रहा है सर? सर किसमें? मतलब जब भी आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें थोड़ा सा पॉज या फिर टाइम लेता है इसको प्रीलोडर कहते हैं, प्रीलोडर। वो स्लाइडर में अपने आप मतलब थीम के साथ ऑटोमेटिकली वो अटैच है या फिर अटैच है सर वो प्रीलोडर। जी सर यही आते हैं सर बार बार, ये किसका हटेगा? किसमें सर? सर जो पीछे आ रहा है सर पेज, कुछ एक्टिव करने के लिए बोलता है, कुछ कोड डालने के लिए परचेज को। जी सर वो तो स्लाइडर है, वो अगर रेवोल्यूशन आप खरीदना चाहते हैं उस स्लाइडर को। तो तब दिखा रहा है, इंपोर्ट कर लेते हैं सर स्लाइडर सीधा। चलिए जैसे क्लासिक स्लाइडर चल लेते हैं। अगर आप अपनी स्लाइडर बनाना चाहते हैं तो अपनी स्लाइडर भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक स्लाइडर आ गया क्लासिक स्लाइडर वन। अब मैं चाहता हूं इसको कनेक्ट कर दूं, तो इनकी वेबसाइट पे एक बार चल लेते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं, उस होम पेज के ऊपर चलते हैं। ये देखिए रेवोल्यूशन स्लाइडर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं क्लासिक स्लाइडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं नीचे इस पेज के ऊपर अभी मैंने नया क्लासिक स्लाइडर बनाया है। ठीक है राकेश जी? जी सर। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो इनकी वेबसाइट, मनोज जी कहेंगे सर मेरी वेबसाइट पे सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे। नहीं सर ठीक है। ये देखिए सर चेंज हो गया स्लाइडर। यस सर। इसमें कुछ वीडियो भी है, इस स्लाइडर में कुछ वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं। जैसे इसके बाद देखिएगा एक वीडियो आ जाएगी। देख रहे हैं? जी सर। तो इस तरीके से स्लाइडर्स का आप यूज कर सकते हैं सर। ये पोस्ट में और ये पोर्टफोलियो में तो क्या डिफरेंस होता है सर? पोर्टफोलियो तो अलग चीज है। पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कि आपने जो काम किया है। मैं मनोज जी की वेबसाइट पहले ठीक कर दूं सर, उसी लेवल पे ले आऊं, वरना ये मेरे को सेशन के बाद इतनी गालियां देंगे सर, कहेंगे सर पता नहीं क्या कर दिया सर ने, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ सर आया पता नहीं क्या कर दिया। एक बार मैं इनको पहले ठीक कर देता हूँ सर। चलिए सर आपकी चीज वैसी वापस आ गई है, इसको भी मैं हटा देता हूं। पेंसिल आइकन पे क्लिक किया मैंने और मैं यहां से इस स्लाइड को पहले उठा के कॉमन कर देता हूं सर। सर इसमें कोई न्यू स्लाइडर बनाते हैं सर तो उसमें कुछ नीचे
कुछ वो क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, जो सिलेक्ट करने पड़ते हैं, लेयर करके करनी पड़ती है, सिलेक्ट कर इसमें बनानी पड़ती है। लेयर से काम होता है सर इसमें। सर वो लेयर्स कैसे काम करती है सर, समझ नहीं आया मुझे इसमें। सर लेयर कुछ नहीं है, एक लेयर पे दूसरी लेयर, जैसे आप ये देखिए सामने, ये देखिए ये है ना, ये एक लेयर है, इसके पीछे जो दूसरी है वो दूसरा लेयर है। अब लेयर का मतलब यहाँ क्या होता है, जैसे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड लेयर पे जाऊंगा और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, मैंने यहाँ ऋषिकेश डाल दिया, ऋषिकेश डाल दिया और ये लेयर ऐड कर दी। अब ये लेयर जो है यहीं कहीं गया होगा, इसको ढूंढते हैं सर। ऊपर जी लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पे आ गया। इसको मैं बड़ा कर दूं सर, अब इसके वेट के हिसाब से मैं खेल लूं अपना, फॉन्ट साइज मेरे को बड़ा करना है, जो कलर कॉम्बिनेशन देनी है, जो फॉन्ट करना है, इसको हम लेयर कहते हैं और कुछ भी नहीं है सर। ये क्लियर है सर? राकेश जी क्लियर है? इसमें कलर कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? कलर कॉम्बिनेशन जी बताएं, राकेश जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर एक नया बना के देखेंगे तभी मुझे याद आएगा, क्योंकि मतलब ट्राई कर रहा था मुझसे हो नहीं रहा था, इसका बैकग्राउंड पीछे मैं करने का सोच रहा था बट वैसे छूट गया मेरा क्योंकि मैं कर नहीं पाया उसको। ये जो इमेज है इसके ऊपर लेयर बनाना चाह रहे हैं ना आप, एक मतलब कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं ऐसा? नहीं सर मैं नया ही कुछ अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा था, एक न्यू मतलब मैंने टेम्पलेट नहीं सिलेक्ट की थी, मैं एक नया बना रहा था, तो उसमें मैंने ऐड ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट किया था बैकग्राउंड कलर, फिर वो सर वो मेरे को लाइव आपको दिखाना पड़ेगा एरर क्या है सर, मैं तभी आपको बता पाऊंगा सर उस चीज का। मनोज जी यहाँ क्लियर हो गया सर ये कलर चेंज? मनोज सर क्लियर हुआ ये कलर चेंज? जी सर क्लियर हो गया। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। जी सर वो आपको ना लाइव मेरे को दिखाना पड़ेगा कि इशू क्या है, कहाँ पे है, तभी मैं बता पाऊंगा आपको। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड फोटोग्राफ है इसको चेंज करना चाह रहे हैं? सर मैं नए कस्टमाइज बना रहा था मैं। चलिए ठीक है सर, उसमें मुझे प्रॉब्लम आती लेयर्स की वजह से। देख लेते हैं सर आपके लिए। सर एक न्यू लेके सर एक बार बना के सर एक बार। चलिए बिल्कुल सर, यहाँ पे न्यू स्लाइडर पे आता हूँ मैं, और न्यू स्लाइडर पे आके मैं यहाँ पे सबसे पहले स्लाइडर का नाम डाल देता हूँ, यहाँ डालता हूँ टेस्ट, एलाइस नाम डाल देता हूँ टेस्ट, कुछ भी नाम डाल दीजिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड स्लाइडर डाल देता हूँ सर, ऑटो डाल देता हूँ, पेज में अपने आप भर लेगा ये सारे इसके साइजेस हैं, अपने अकॉर्डिंग साइजेस देख लीजिए। और मैं इसको ये करने के बाद इस स्लाइडर को सेव करता हूँ, अब इस स्लाइडर सेव हो रहा है, अब ये नया स्लाइडर बन गया मेरे लिए एक। अब सबसे पहले मैं पहली इमेज इसमें डालूंगा, तो स्लाइडर में आता हूँ और मेन बैकग्राउंड पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ सर, मैंने सबसे ऊपर वाला किया सिलेक्ट सर मेन बैकग्राउंड करके। जी ये रहा ना सर मेन बैकग्राउंड सर एक बार। हाँ अब मैंने इसको किया और लेट्स सपोज सर मैंने ये किया कलर्ड वाला किया था सर, नीचे कलर्ड वाला सर कलर्ड बैकग्राउंड का। जी सर चलिए सेकंड वाली स्लाइड पे सर कलर बैकग्राउंड ले लेते हैं, ऐड स्लाइड पे आ जाते हैं। इसको सेव कर लेते हैं जरा, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन इनके लिए सेव करना जरूरी होता है। चलिए वो भी चला गया जो हमने बनाया था, इसको दोबारा कर लेते हैं सर, थोड़ा सा दोबारा वही गाड़ी की फोटो ले लेता हूँ मैं, सेव करते चलिएगा। सेकंड स्लाइड पे आते हैं सर, सेकंड स्लाइड को एडिटेड मोड में डालते हैं। सेकंड स्लाइड पे आ गया, अभी भी नहीं आया हूँ ध्यान रखिएगा, सेकंड स्लाइड पे अभी आया मैं और अभी एडिटेड मोड पे आ गया। अब कलर चूज करते हैं, लेट सपोज येलो, ये आ गया मैं इस कलर पे। इस कलर पे अगर मुझे कुछ लेयर लिखना है, आ जाता हूँ इधर, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेलकम टू आर साइट
कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको लिखूं, मैं इसका कलर साइज कर देता हूं ब्लैक, दिस विल लुक गुड। मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ज्यादा ही बढ़ गया सर। चलिए कुछ इस तरीके से रखते हैं, आप अपने साइज देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग इस पे जो भी आपको करना है। और आप फॉन्ट वॉन्ट यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये सारे फॉन्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉन्ट्स चूज कर सकते हैं अपने। और यहाँ पे मैं एक बटन डाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे इधर डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट नाउ, और इस बटन को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपने पेज से। एक्शन के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं अपने पेज से आप, और ये हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरे सामने दो स्लाइडर बन गए हैं, इस स्लाइडर का नाम मैंने टेस्ट दिया है। होम पेज पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं। यही करना चाह रहे थे राकेश जी? जी सर। होम पेज पे एडिट मोड में आते हैं। में नीचे जाते हैं और स्लाइडर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ स्लाइडर अभी दिया हुआ है, ये देखिए टेस्ट वाला स्लाइडर आ गया सर, और इसको मैं लेते हैं। और फिर चलते हैं सर कुछ इनकी वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कैसी लग रही है इनकी वेबसाइट। हो गया सर क्लियर? जी सर। इजी है सर? जी सर। चलिए आज के बाद मेरे ख्याल से सर अपनी वेबसाइट को टच नहीं करने देंगे हमें, कि मैं पूरी मेहनत से ठीक करता हूँ और ये रोज शाम को आते हैं। कल उमेश जी का नंबर। बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे इसमें वो भी लाइट बॉक्स होता है सर वो। जी सर, लाइट बॉक्स का मतलब होता है कि आप क्लिक करते हैं और वो पॉपअप हो जाता है। अच्छा, उसमें पिक्चर्स भी होती हैं सर जनरली, कुछ और भी हो सकता है सर? पिक्चर भी हो सकता है, आप क्लिक करने पे कुछ पॉपअप करेगा तो स्टिल ही होगा ना। अगर आप चाहते हैं क्लिक करने पे यूट्यूब वीडियो खुल जाए तो लाइट बॉक्स में यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए ये HTML5 वीडियो दिख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा तो यहाँ पे YouTube वीडियो भी डाल सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे एक एड स्लाइड कर देता हूँ, ये एड स्लाइड कर दिया मैंने, मैं YouTube खोल लेता हूँ। मैं अपनी वीडियो डाल देता हूँ सर, अपना प्रमोशन बहुत जरूरी है। यहां से मैंने इसको लिंक को उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे आ गए, वीडियो पे आ गए। वीडियो आईडी जो है उसका आईडी आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से, लास्ट में V8, यहाँ पे ये रही वीडियो आईडी।
और सेव कर दें। कवर इमेज का मतलब होता है अगर आपकी वीडियो नहीं चलेगी तो कवर इमेज चलेगी, तो पोस्टर इमेज लगा दीजिए एक, इसको पोस्टर इमेज या कवर इमेज भी बोलते हैं। साइकिल लगा देते हैं सर। सेव कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वो चेक कर रहा है। सर आप इसको ट्राई कीजिएगा, कुछ इसी तरीके से होगा ये, ठीक है राकेश जी? जी सर समझ गया। यहाँ पे बस चेक कर लीजिएगा सर, इसी तरीके से आपका ये काम चलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड हो गई इसलिए मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी आप लोग से विदा लेना चाहूंगा और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। हम सेशन यहीं तक रोकते हैं और हम कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइज। We'll meet tomorrow. Thank you.